Welcome to all of you in this video. In today's video, we will talk about the interrogative and interrogative negative sentences of past perfect tense. So, आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. आज के इस वीडियो में हम interrogative और interrogative negative अर्थात प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों का अध्ययन करेंगे past perfect tense में. चलिए शुरू करते हैं. तो जहाँ तक इंटरोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक वाक्यों का सवाल है, इनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है. सबसे पहले होता है हैड, उसके बाद होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क. तो ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का या प्रश्नवाचक वाक्यों का. अब देखिए उदाहरण से समझते हैं कि इस प्रकार के वाक्य कैसे बनाए जाते हैं. Had I played cricket, इसका अर्थ होगा या इसका अर्थ होता है, क्या मैंने क्रिकेट खेला था. अगला देखते हैं, हैड यू प्लेड क्रिकेट, इसका अर्थ है, क्या तुमने क्रिकेट खेला था. देखिए जैसे कि पहले यहां पर हैड है, यहां पर भी हमने हैड दिया है, फिर सब्जेक्ट है तो यहां पर यू हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है स्ट्रक्चर में, यहां पर हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया है प्लेड, उसका तो ऑब्जेक्ट है यहां पर क्रिकेट और उसका फिर क्वेश्चन मार्क. तो इस तरीके से हर जो क्वेश्चन होगा वो इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा. यहां पर देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं. Had we played cricket, क्या हमने क्रिकेट खेला था. Had he played cricket, क्या उसने क्रिकेट खेला था. Had she played cricket, क्या उसने क्रिकेट खेला था. Had it played cricket, क्या उसने क्रिकेट खेला था. And had they played cricket, इसका अर्थ होता है, क्या उन्होंने क्रिकेट खेला था. कोई एक नेम ले लेते हैं, हैड रमेश प्लेड
क्रिकेट। क्या रमेश ने क्रिकेट खेला था? तो इस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है, प्रश्नवाचक सेंटेंसेस जो हैं, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाए जाते हैं। और देखिए यहाँ पर हमने एक वर्ब में 8 सेंटेंस बनाए। 8 सेंटेंसेस हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग अ सिंगल वर्ब बट बाय यूजिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो हमने 8 अलग सब्जेक्ट्स के साथ एक ही वर्ब को यूज करके इस तरह से 8 या 8 सेंटेंस बनाए। तो इस तरह से अगर हम 50 वर्ब के साथ इसका प्रैक्टिस करते हैं, ये जो पैटर्न है वो आपके मन में बैठ जाएगा। दिस पैटर्न विल बी इनकलकेटेड इन योर माइंड एंड वंस इट इज इनकलकेटेड, ओके, यू वॉन्ट नीड एनी कंसिडरेशन बिफोर स्पीकिंग इंग्लिश। और जब ये पैटर्न आपके मन में बैठ जाएगा, आपको बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। तो दैट इज द पावर ऑफ प्रैक्टिस। यू हैव टू प्रैक्टिस दिस पैटर्न विथ मेनी वर्ब्स। आपको इस पैटर्न को बहुत सारे वर्ब्स के साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा बाई मेकिंग सेंटेंसेस, ओके, नॉट ओनली इन योर कॉपी बट बाई स्पीकिंग दोज सेंटेंसेस व्हेनेवर यू टॉक टू योर फ्रेंड्स। तो जब भी आप अपने दोस्तों से बात करते हैं तो इन सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कीजिए, इनको कॉपी में बनाइए। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल बी। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे बनेंगे। चलिए अब देखते हैं कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। देखिए स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह से है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए चलिए देखते हैं कि किस तरह से सेंटेंस बनेंगे, एग्जांपल्स देखते हैं। सो हैड आई नॉट प्लेड क्रिकेट। तो देखिए ये किस तरह से प्रश्नवाचक वाक्यों से अलग है, यहां पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा जो है नॉट है, हैड आई नॉट प्लेड क्रिकेट। तो इसका हिंदी अर्थ होता है क्या मैंने क्रिकेट नहीं खेला था। नेक्स्ट हैड यू नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या तुमने क्रिकेट नहीं खेला था? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हैड वी नॉट प्लेड क्रिकेट, इसका अर्थ है क्या हमने क्रिकेट नहीं खेला था। देन हैड ही नॉट प्लेड क्रिकेट। तो यहां पर भी देखिए नॉट है, इसका अर्थ है क्या उसने क्रिकेट नहीं खेला था। नेक्स्ट स्टेटमेंट और नेक्स्ट सेंटेंस, Had she not
प्लेड, क्रिकेट, इसका अर्थ है क्या उसने क्रिकेट नहीं खेला था। नेक्स्ट वन हैड इट नॉट प्लेड क्रिकेट, इसका भी अर्थ क्या उसने क्रिकेट नहीं खेला था। अनदर वन, एक और देखते हैं, हैड दे नॉट प्लेड क्रिकेट, हैड दे नॉट प्लेड क्रिकेट, तो इसका अर्थ है क्या उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला था। इन एट लास्ट लेट्स यूज अ नेम, एक नाम का यूज कर लेते हैं, जैसे हम इस बार भी रमेश यूज कर लेते हैं। सो हैड रमेश नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या रमेश ने क्रिकेट नहीं खेला था। ये तो इस प्रकार से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जो है बनाए जाते हैं। दिस इज द वे हाउ द इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए यहाँ पर हमने इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाने सीखे, और अगर आप इसी पैटर्न को रिपीट करते रहेंगे बार बार, तो इस रिपीटिशन का असर ये होता है कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और वहाँ जाने के बाद आपको जब इसको यूज करना होता है तो आपको सोचना नहीं पड़ता, बिकॉज इट हैज़ बीन कम्प्लीटली स्टोर्ड देयर, क्योंकि ये पूरी तरह से स्टोर हो चुका है वहाँ पर। So I encourage you people to practice these sentences using different verbs with your friends by writing them and by speaking them. The more you practice, the better you will become. So thanks for watching this video. Okay, if you like the video, do hit the subscribe button and spread the video. Thank you.